हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, उसके दोनों के ही जो एमसीक्यूज है मैं आपको समझाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो स्टेटमेंट वन क्या कहता है, कंजप्शन फंक्शन एज्यूम दैट कंजप्शन चेंजेस एट अ कॉन्स्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। तो कंजप्शन का मतलब क्या होता है, खपत। जिसको आप कोई भी चीज जो है आप कंज्यूम करते हो, खपत करते हो, खर्च करते हो ना, यूज करते हो, तो दैट इज कंजप्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो क्या आपका कंजप्शन भी चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है ना, आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से आप चीजों को भी कंज्यूम करोगे। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेकंड क्या बोल रहा है कि ऑटोनॉमस कंजप्शन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम। तो ये यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है कि आपकी टोटल इनकम होगी उसी हिसाब से हम जो ऑटोनॉमस कंजप्शन लगाते हैं। ऑटोनॉमस कंजप्शन आप कुछ भी नहीं भी कमा रहे होंगे ना, तब भी आपका कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये कभी भी आपको जीरो से नीचे नहीं मिलेगा, इवन जीरो भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब आपका कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होता है, उसी लिए उसका नाम जो है वो क्या रखा है, ऑटोनॉमस रखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा आपका गलत है। तो आपका स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, आंसर ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि आपका जो कंट्री है वो कहीं ट्रेड नहीं कर रहा है ना, तो मतलब आपके कंट्री के अंदर ही जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना वो हो रहा है और उसका यूज भी हो रहा है, लेकिन आप बाहर कहीं ट्रेड वेड नहीं कर रहे, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। विथ नो फॉरन ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कोई फॉरन ट्रेड नहीं हो रही है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज जो है वो सही होगी। तो देखो, अगर कोई चीज बाहर जा ही नहीं रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका जीडीपी है ना वो आपका जीएनपी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज की आवाजाही हो ही नहीं रही है तो वहां पे इक्वलाइज रहेंगी चीजें। ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन वन। तो ये तो आपने शायद पढ़ा ही होगा कि भाई किस चीज की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन वन हो सकती है। देखो, हमेशा नहीं होती है, जरूरी नहीं है, कैन बी, हो सकती है। तो वो हो जाएगा आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एपीसी भी बोला जाता है। ठीक है, और जो एमपीसी होता है ना वो कभी भी वन तक भी नहीं पहुंचता, वो हमेशा वन से नीचे ही रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है ना, आरबीआई के हिसाब से एक रिपोर्ट निकली थी 29 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो जिसमें क्या बोला गया था कि नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बोरोइंग्स क्या होता है, जब हम बाहर के देशों से जो पैसा लेते हैं, बाहर से जब हम पैसा लेता है हमारा जो कंट्री है, ठीक है, तो बोरोइंग्स हमने की है, एंड रिकॉर्डेड एज आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर 0.4 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर। तो बोल रहा है कि हमने कुछ बोरोइंग्स की थी और उसके बाद फिर हमने जो आउटफ्लो किया है तो वो इतना है, तो आपको बताना है कि ये किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये चीज जो है, अगर हमने कोई चीज बोरोइंग्स ली है तो ये वैसे भी कैपिटल में ही आ जाएगा, हम लार्ज अमाउंट में पैसा जो है उसको लेते हैं अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे, कैपिटल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी कैपिटल दे रखा है, यहाँ पे भी कैपिटल दे रखा है, अब आपको देखना है कि ये क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा। तो डैश साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अब देखो यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है ना, पैसा बाहर जा रहा है, पैसा है ना आपके पास से पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है, जब आता है तो क्रेडिट हो जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कैपिटल एंड डेबिट, ये दोनों को फिल कर देना। उसके बाद बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मॉनेटरी यूनिट्स होती है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस किया जाता है या मेजर किया जाता है। तो ये होता है आपका यूनिट ऑफ अकाउंट। देखो, वैसे तो खैर ये सारी ही जो है चीजें, ये सब मॉनेटरी यूनिट्स में ही आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मनी है ना वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को बता रहा है, मतलब उसको एक क्वांटिफाई कर रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, उसकी वैल्यू के बारे में बता रहा है, तो जहाँ पे हम मॉनेटरी टर्म्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा यूनिट ऑफ अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिक्स वाला। तो ये क्या है आपका, ये पूरा फिलअप्स दे रखा है ना, तो ये इसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर देख लो पहले, यहाँ पे डिपॉजिट्स दे रखा है और उसके बाद क्या दे रखा है, लीगल रिजर्व रेशो दे रखा है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, LRR, है ना, लीगल रिजर्व रेशियो। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो आरबीआई है ना, वो रेगुलेट करता है बैंकों को और बोलता है कि भैया कुछ पैसा जो है वो आप अपने पास रखो, है ना, और कुछ पैसा जो है वो आप बाहर इन्वेस्टमेंट या मतलब लोन्स वगैरह देने के लिए लगाओ, तो लेकिन आपके पास कुछ पैसा तो होना चाहिए ना। तो ऐसे तो इसी को, जो आपके पास होना चाहिए जो पैसा, उसी को हम LRR बोलते हैं। तो जैसे 20% किसने यहाँ पे LRR लगा रखा है, तो जैसे 100 में से 20% पैसा जो है वो बैंक अपने पास रखेंगी। कौन से बैंक की बात कर रहा है, ये कमर्शियल बैंक की बात कर रहा है, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक और बोलता है कि कुछ पैसा तुम अपने पास रखो करके। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो एसबीआई जो है उसको बोल दिया कि भाई 20% पैसा जो है आप अपने पास रखोगे और 80% पैसा जो है आप लोन्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये दे रखा है 20%, और यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है ये टोटल कितना है, ये 1000 है। अब इसके हिसाब से आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, हमें फिगर दे दी है, तो पहला वाला हमें तो सॉल्व करके दे ही दिया है। सेकंड वाला है, अब यहाँ पे 20% दे रखा है और यहाँ पे आपको 160 दे दिया है, तो ये 640 देखो कहाँ पे दे रखा है, देखो ये सब में ही दे रखा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं उसको। सेकंड में क्या करना है आपको, टोटल डिपॉजिट निकालना है। तो टोटल डिपॉजिट आप कैसे निकालोगे, जैसे इनिशियल डिपॉजिट जो होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/LRR, यानी लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो 1000 × 1/LRR अगर आप करोगे तो 1000 × 1/0.20, क्योंकि 20% दे रखा है ना यहाँ पे, LRR कितना है 20% है, तो उसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5000 टोटल डिपॉजिट निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें निकालना है थर्ड में लोन्स के बारे में, ये बोल रहा है, ठीक है। तो लोन्स का हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा टोटल कितना आ गया, 5000 आ गया निकल के, और हमारा इनिशियल अमाउंट कितना है 1000, तो अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो 4000 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है LRR, यानी जो रिजर्व रेशो है उसके बारे में निकालना है। तो टोटल डिपॉजिट जैसा कि हमारा 5000 निकल के आ गया है यहाँ पे, तो 5000 × 20% यहाँ पे दे रखा है, उसको अगर निकालोगे तो आपका 1000 निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा मैच कर रहा है, आंसर डी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद इसको फिल कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द वर्टिकली एडिंग द डैश एंड डैश फंक्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताना है, इसके फंक्शन आपको बताने हैं, ठीक है। तो जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, आपका कंजप्शन आता है ना, आपका इन्वेस्टमेंट आता है, आपका नेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है ना, गवर्नमेंट की चीजें आती है, तो ये सारी चीजें जो है इसके फंक्शन है। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला भी है ना, AD = C + I, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पे क्या होता है ना, जो सम किया जाता है कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का, तो वहीं से आपका एग्रीगेट डिमांड जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि जहाँ पे करेंसीज का ट्रेड किया जाता है ना, करेंसीज मतलब आपकी जैसे इंडिया की जो करेंसी है ना, यूएस की जो करेंसी है, तो जब हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं इन चीजों का, जो ट्रेड करते हैं, तो उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, जिसको फॉरेक्स रिजर्व या एफएक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये डिमांड है ना, ये कैसे बढ़ती है ये बताना है। तो जैसे इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स, तो विजिबल्स का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको विजिबल है, आप उसको देख सकते हो। तो जब आप चीजों को खरीदते हो, जैसे सपोज करो हमने अमेरिका से जो है मशीनरी खरीदी, या कोई भी ऐसे हमने असेट्स वगैरह खरीदते, तो हमने क्या खरीदे है ना, तो हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो उनके डॉलर में ही तो पेमेंट करेंगे, तो उसके पास, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिजर्व्स रहने चाहिए, है ना, हमारे पास यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, तभी तो हम भुगतान कर पाएंगे। तो जो विदेशी मुद्रा में जो हम उनका भुगतान करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अफेक्ट करेगा, यानी हमारे पास ये होने चाहिए, मतलब एक इनका स्टोरेज हमारे पास होना चाहिए, इसकी डिमांड हमारे पास बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जब हम इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स इसका जस्ट उल्टा है, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे डिमांड घट जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद रेमिटेंस बाई रेसिडिंग वर्किंग एब्रॉड, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपके घर का कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में काम करता है, तो जब आपको पैसा भेजेगा तो वो इंडियन रुपी में भेजेगा ना, तो इससे क्या होगा, हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हमको क्या है, वो हमको डॉलर में नहीं भेज रहा है, वो हमको रुपीज में पैसे भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, परचेज ऑफ एसेट एब्रॉड, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाहर से खरीद रहे हो, ठीक है, तो उनको पैसे भी दोगे, तो जब आप वहां पे पैसे दोगे तो आपके पास पहले से पैसा रहना चाहिए ना, उनकी करेंसी आपके पास रहनी चाहिए, तभी तो आप दे पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड है, ये कौन सी अफेक्ट कर रही है, ये 1 वाला अफेक्ट कर रहा है और 4 वाला अफेक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे।
तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे आपकी जो सेविंग है उसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है इसका दे रखा है यहाँ पे, तो क्या करना है आपको, एस इज इक्वल टू आई है ना, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, तो एस इज इक्वल टू आई, अब यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू लगा के जो आई की वैल्यू है ये कितनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 4000 है, ठीक है, तो 4000 को आप यहाँ लिख दो, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, 0.1 y इज इक्वल टू 4000, अब ये माइनस का 60 है तो ये यहाँ पे हम इसको प्लस 60 में लेके आ जाएंगे, मतलब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 4600 निकल के आ जाएगा, 40600, ठीक है, इसको तो आप कर ही लोगे, बहुत सिंपल है ये। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, तो आपको इसको पढ़ना है स्टूडेंट, ये चार्ट बता रहा है, अब देखो ये आपको बुक में भी दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल जो अकाउंट होता है ना तो वो किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स आती हैं एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस भी आता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको दो चीज बतानी है, एक है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक तरीके का ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है ना वो अपने फंड को क्या है, जैसे बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की स्टॉक में यूज कर लिया है ना, बॉन्ड में यूज कर लिया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में यूज कर लिया, तो इससे क्या होता है जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, और ये क्या है जैसे कई तरीके से इन्होंने इसको डाइवर्सिफाइड भी कर दिया, अलग अलग तरीके के इन्होंने पोर्टफोलियो बना लिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हो गया आपका डायरेक्ट और दूसरा हो गया आपका पोर्टफोलियो जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होती है, और यहाँ पे डायरेक्ट होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज को सॉल्व, तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ इंडियन 5-year प्लान, तो इंडियन 5-year प्लान का जो गोल था ना तो उसमें क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रियलायंस है ना, तो इक्वालिटी नहीं था यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, ये यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, यहाँ पे ग्रोथ एंड इक्वालिटी नहीं है, ये है इक्विटी, ठीक है ना, एंड मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रियलायंस, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर डी इज करेक्ट। 19th है चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थियर इंडिकेटर, तो इनमें से कौन सा हेल्थियर इंडिकेटर नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना जो है बहुत आज की डेट में बहुत बढ़िया है हेल्थ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये तो होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी अगर किसी कंट्री पे इफेक्ट डालती है, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, देखो ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी हेल्थ केयर वगैरह पे अफेक्ट हमेशा ही डाले, जरूरी नहीं है, हाँ हो सकता है एक कारण, लेकिन ये इसका करेक्ट इतना इंडिकेटर नहीं बता रहा है, ठीक है, बाकी की ये सारी चीजें जो है ये सामने दिखती है कि ये अफेक्ट डाल रही है, लेकिन ये अफेक्ट डाले ये ऐसा हर समय संभव नहीं है। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखेंगे, द शैकल ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वर परमानेंटली ब्रोकन बाई ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से कॉलोनियल रूल की जो चीजें थी ना वो क्या क्या ब्रोक हो गई, मतलब क्या क्या चीजें टूट गई, हमने किस चीजों को क्रॉस कर दिया, हम बहुत आगे बढ़ गए, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश, तो बताना है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हमने यूज किए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे, बिल्कुल सही है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन आ गया था, सही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है, जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, बहुत अफेक्ट डालते हैं लेकिन ये, एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ये नहीं था ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ये सब हमने नहीं यूज करे थे, क्योंकि केमिकल वगैरह इनसे ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। देन देखेंगे 21 क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे लेडीज क्या काम कर रही है, देखो ये यहाँ पे मधुमक्खी है, तो ये मधुमक्खी का पालन कर रही है एक तरीके से, तो आपको बताना है कि वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड टेक अप बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, सच काइंड ऑफ एक्टिविटी मे बी एनविसेस्ड अंडर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, तो ये किसके अंडर में आता है, आप देखो एनिमल हस्बेंड्री तो आएगा नहीं, तो आपको क्या है ना चीजों को वैसे पहले ही काट देना है कि भाई इसमें तो आएगा ही नहीं, तो उसको हटा हो यहाँ से। उसके बाद फिशरीज है ना, तो फिशेज वगैरह दिख रही है क्या हमको यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, पोल्ट्री दिख रही है क्या यहाँ पे, मुर्गी पालन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आंसर बचा क्या, सी बचा, ठीक है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, तो असर्शन क्या बोल रहा है, इन 1991 एज अ इमीडिएट मेजर टू रिसॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रुपी वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही बात है, 1991 में बहुत क्राइसिस आ गए थे हमारे भारत के अंदर, जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस बोला जाता है, ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट।
रीजन इसका क्या बोल रहा है, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी वॉज एमिनेंट टू रिप्लेनिश द डिटेरियोरेट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। तो यहाँ पे क्या है, ये भी बिल्कुल सही है, हमने अपने मनी की जो वैल्यू है डिवेल्यू करनी पड़ी थी हमको, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरन एक्सचेंज है ना पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, खत्म हो, एक्चुअली हमारे पास ये बचे ही नहीं थे। तो हमारे पास कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हमारे पास डेप्ट हो गया था, और कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास फॉरन एक्सचेंज भी नहीं थे, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा होती है, जो बाहर की जो करेंसी होती है ना, अब उनको देने के लिए तो वही करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारे पास थे नहीं। तो इसी वजह से क्या है, हमने बहुत चीजें यहाँ पे मतलब बहुत प्रॉब्लम हमने यहाँ पे जो है फेस की थी उस समय पे। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ना, और बाहर के जो कंट्रीज हैं उनको भी निवेश करने के लिए यहाँ पे बढ़ावा दिया, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, तब जाके फिर हमारी जो इकोनॉमी हालत है वो सुधर पाई थी। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट है जो हमारे सही है, एंड आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाई एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे चीन की जो सरकार है ना वो किसानों पे और जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह पर इन पे जो प्राइस फिक्स करती है किसी भी कमोडिटी का या किसी भी गुड्स का, तो वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो मार्केट में बेचा जाता है, मार्केट में जो वो आता है, तो अलग अलग मार्केट के हिसाब से प्राइसेस जो है वो चेंज कर देता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट ड्यूल प्राइसिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूल प्राइसिंग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये ड्यूल प्राइसेस जो है इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि जैसे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होता, भाई उसको लगता है कि यहाँ पे प्राइस अलग है यहाँ पे प्राइस अलग है, तो ऐसे करके इसके मन में कंफ्यूजन बना रहता है। और दूसरा क्या है कि जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इस चीज को करने से, क्योंकि ये ना एक कंफ्यूजन हो जाता है, एक चैलेंजिंग हो जाता है ये सारी चीजें ना मैनेज करना। उसके बाद क्या है जैसे कंपनी वगैरह इनकी रेपुटेशन के लिए भी रिस्क होता है, तो ये सारी चीजें आप जो है इसको आपको पता होना चाहिए ड्यूल प्राइसिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। वैसे इसके फायदे भी होते हैं, तो ये फायदा है तभी तो इसको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो क्रेडिट। अब देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। क्रेडिट प्रोग्राम प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, ग्रामीण इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है एज दे डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम होते हैं तो ये क्या करते हैं, किस चीज को इन्हेंस करते हैं, तो जैसे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है छोटी छोटी टाइप दिस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, एंड लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे कोई लेडीज है ना वो बास्केट बनाने का काम कर रही है, मैट बनाने का काम कर रही है, तो ये सारे काम जो है ये किसमें आ जाएंगे, माइक्रो इसमें आ जाएंगे प्रोग्राम्स में, ठीक है। उसको थर्ड क्या हो जाएगा इसका, इनहेंस द रीच ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ये भी सही बात है। तो इसमें ये तीनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और एमसीक्यूज लेकर आएंगे आपके मैक्रो का भी और आपके इंडियन इकोनॉमी का भी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।